सो हेलो एवरीवन, कैसे दसवीं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के इस पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी बताने जा रहे हैं कक्षा दसवीं साइंस का ऐसे इम्पोर्टेंट VI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पर पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कन वाला जीव कौन सा होता है। पहला ऑप्शन में दिया गया व्हेल, ऑप्शन बी में दिया गया चूहा, ऑप्शन सी में दिया गया हाथी और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है आदमी। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इस क्वेश्चन का सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 31 से पूछा जा रहा है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर जानिए कि सजीव जीवधारी किसे कहते हैं। तो सजीव जीवधारी हम लोग उसे कहते हैं जिनमें जान प्राण हो, जो एक जगह से दूसरे जगह जा सके, जिसमें जनन करने की क्षमता हो, वैसे सभी जीवधारियों को हम लोग सजीव जीवधारी कहते हैं। और इनके द्वारा अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया, ये तीनों का उत्सर्जन किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग दोस्तों न्यूरॉन कहते हैं। कितने स्टूडेंट को लगता है इसका सही जवाब नेफ्रॉन हो जाएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 33 को देखिए। आपका क्वेश्चन 33 कहता है कि किसे रासायनिक दूत भी कहा जाता है। इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शनों में बताना होगा कि किसे हम लोग रासायनिक दूत के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, जो हार्मोन होते हैं ना, जैसे साइटोकाइनिन हार्मोन हो गया, जिब्रेलिन हार्मोन हो गया, एथिलीन हार्मोन हो गया, इस प्रकार से बहुत सारे मनुष्य के शरीर में हार्मोन पाए जाते हैं। तो उस जितने भी हार्मोन होते हैं ना, इसे ही रासायनिक दूत कहा जाता है। उसके बाद में बोला गया है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रख लीजिए कि चार्ल्स डार्विन के माध्यम से ही द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 34 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, चार्ल्स डार्विन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 35 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 35 कहता है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। पहला ऑप्शन मिलेगा कांच में, पानी में, लोहा में और डी में दिया जाएगा निर्वात में। दोस्तों, आज जान ही जाइए कि निर्वात माध्यम में हमेशा प्रकाश की जो चाल होती है ना, वो सबसे अधिक होती है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्वात में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 36 को देखिए। क्वेश्चन 36 कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्र क्या होता है। तो दोस्तों, जान जाइए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विभवांतर कहते हैं किसे। तो दोस्तों, विभव के अंतर को ही हम लोग विभवांतर कहते हैं, जिसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। यानी क्वेश्चन 36 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वोल्ट। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 37 से पूछा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे। तो इसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे C+O2 के साथ हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं, तो ये बनाता है CO2। तो यहाँ पे अभिक्रिया में देखिए कौन कौन से तत्व भाग लिए हुए हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। यहाँ पे कार्बन की परमाणु की संख्या 1 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 2 है। तो जब ये दोनों पदार्थ, दोनों तत्व आपस में मिलकर अभिक्रिया किए हैं, तो ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे अभिकारक हो गया है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है, ये हमारा उत्पाद है यानी प्रतिफल है। उसके बाद में अगला सवाल पूछा जा रहा है क्वेश्चन 38 में कि टूथपेस्ट कैसा होता है। पहला ऑप्शन अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और डी में दिया गया है, इनमें से सभी। तो दोस्तों, याद रखिएगा,
टूथपेस्ट होता है जिससे हम लोग अपने दांतों की सफाई करते हैं वो क्षारीय होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, क्षारीय। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 39 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत का सुचालक होता है। तो दोस्तों ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट ही विद्युत का सुचालक होता है। बाकी कुचालक की बात करें तो सल्फर, क्लोरीन और ये आयोडीन, ये सभी अधातु होते हैं जो विद्युत का कुचालक होते हैं। सुचालक की बात करें तो अपवाद में ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिल समूह है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 40 को सभी ऑप्शनों को देख लीजिए। तो ऑप्शन को देखने के बाद आपको मालूम चलेगा एकल बंधन COOH अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग जिसे अम्ल कहते हैं यही कार्बोक्सिल अम्ल के समूह के श्रृंखला में आता है। तो मैट्रिक एग्जाम पेपर में इस प्रकार से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि एकल बंधन CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर एल्डिहाइड कहते हैं। एकल बंधन CO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कीटोन कहते हैं। फिर पूछा जाएगा कि एकल बंधन COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग अम्ल कहते हैं। याद रखिएगा इसे हम लोग अम्ल कहते हैं। और चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया है कि आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, यानी आमीटर जिसे हम लोग एमीटर के नाम से भी जानते हैं। तो परिपथ में एमीटर के माध्यम से क्या चीज़ को मापते हैं। पहला ऑप्शन धारा, आवेश, विभव, विद्युत शक्ति। दोस्तों जान जाइए ओम के नियम के सत्यापन के पाठ में हम आप सभी को बताए थे कि विद्युत परिपथ में एमीटर के माध्यम से हम लोग धारा का मान मापते हैं यानी करंट की तीव्रता मापते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 41 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, धारा। उसके बाद में अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आज जान ही जाइए कि वह उपकरण जिसका काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देना, वैसे उपकरण को हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं। जी हाँ, इसे हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, विद्युत मोटर। उसके बाद में अगला सवाल में हमसे दर्पण सूत्र पूछ लिया गया है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि दर्पण का सूत्र होता है 1/V + 1/U = 1/F होता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। यहीं पे कई बार मैट्रिक एग्जाम पेपर में लेंस सूत्र पूछ लिया जाता है। तो लेंस पूछेगा ना, तो केवल प्लस जगह पे आपको माइनस कर देना है, यानी 1/V - 1/U = 1/F होते हैं जो आपका लेंस सूत्र होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 44 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 44 कहता है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है, या इसी सवाल को मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछ लिया जाता है कि किस लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को हटाया जाता है। तो प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अवतल लेंस के द्वारा ही। किसी भी मनुष्य के आँख में यदि निकट दृष्टि दोष हो जाता है ना, तो उसे दूर किया जाता है, यानी उसका आँख का इलाज किया जाता है। अगला सवाल पूछा जाता है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। आप सभी को बता दें जिस प्रकार हम लोग यानी मनुष्य जाति में जितने भी लोग, मनुष्य योनि में जितने भी लोग पाए जाते हैं, ये सभी जनन करके नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसी प्रकार से पौधों में भी जनन होता है जिसके फलस्वरूप नए पौधे का जन्म होता है। तो पौधों में जो जनन अंग होते हैं ये पुष्प में पाए जाते हैं। और यहीं से मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल पूछे जाते हैं कि पुष्प में पाए जाने वाला नर जनन अंग को क्या कहते हैं। तो आज जान ही जाइए पुष्प यानी फूल में पाए जाने वाले नर जनन अंग को हम लोग पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। ये तो जान गए। उसके बाद में आइए जान लेते हैं कि पुष्प में पाए जाने वाले या पौधों में पाए जाने वाले मादा जनन अंग को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग स्त्री केसर या जयांग कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि मेंडल ने अपने अनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा अनुवंशिकता का प्रयोग करते हुए उन्होंने किस पौधों के माध्यम से अनुवंशिकी का प्रयोग किए थे। तो उस पौधा का नाम है मटर का पौधा। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मटर का पौधा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 47 कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। पहला ऑप्शन एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, और डी में दिया गया है किसी भी दिशा में नहीं होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 47 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, एक दिशीय। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि ओजोन परत पाया जाता है। दोस्तों ओजोन परत जो होता है ना, ये वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है।
जो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल पूछे जाते हैं कि ओजोन परत यानी CFC का पूरा नाम क्या होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर पूछा जाता है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करती है, तो आप बोल सकते हैं कि पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत हमारी रक्षा करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि लेंस का आवर्धन m का जो मान होता है ना, m बराबर v बटा u होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, v बटा u। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 50 से बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, नेत्र यानी आँख का जो रंगीन भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे हम लोग परितारिका कहते हैं। परितारिका जो होता है ना, ये मनुष्य के आँख का सबसे लाल भाग होता है। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में एक और सवाल पूछ लिए जाते हैं कि मनुष्य के नेत्र में जिस भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग रेटिना यानी दृष्टि पटल कहते हैं। कितने स्टूडेंट को लगता है इसका सही भाग कर्णिया होगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल पूछता है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यानी वायुमंडल में वह कौन ऐसा रंग है जिसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित करने वाला वर्ण का नाम है नीला वर्ण। यही कारण है कि आकाश का जो रंग है ना वो नीला दिखाई पड़ता है। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, ये कौन ऐसा घटना है जिसके कारण हमें सूर्य का वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही पूर्व दिखाई देने पड़ते हैं, तो यहाँ भी क्वेश्चन 52 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। उसके बाद में अगला सवाल हमारा कहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला यह सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंगी है, पहला ऑप्शन केचुआ, मेढक, मछली और केचुआ। तो यहाँ पे चारों जंतुओं में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, केचुआ एक ऐसा जीव है ना जो उभयलिंगी जंतु कहा जाता है और ये एनीलिडा वर्ग में आता है। क्या 9th में आप पढ़े होंगे जिसमें जंतुओं का वर्गीकरण चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि केचुआ, जोंक, सांप किस वर्ग में आते हैं, तो ये आते हैं एनीलिडा वर्ग में। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग है, तो ये चारों अंगों में आप सभी को बताना होगा कौन ऐसा अंग है जो अवशेषी अंग है, तो दोस्तों अवशेषी अंग को हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, अपेंडिक्स। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 55 को देखिए, क्वेश्चन 55 कहता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, पहला ऑप्शन वन संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण और वृक्षारोपण से। तो दोस्तों चिपको आंदोलन, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि चिपको आंदोलन आंध्र प्रदेश में चलाया गया था या उत्तराखंड में चलाया गया था, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताना होगा कि आंध्र प्रदेश में चिपको आंदोलन हुआ था या उत्तराखंड में। अब इस आंदोलन से जुड़े जितने भी लोग थे ये सभी लोग पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ काटने वाले को मारकर भगा दिया करते थे। इस आंदोलन के निर्माता जो है या नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति हैं वो सुंदरलाल बहुगुणा और चड्ढी प्रसाद यादव थे और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वन का संरक्षण करना यानी पेड़ पौधों की रक्षा करना, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब से होगा वन संरक्षण करना। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन 56 कहता है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं, दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 56 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 56 कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है, दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में जितने भी क्षैतिज कतारें होती है ना उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आवर्त कहते हैं। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में एक और सवाल पूछ लिए जाते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे कि सर 7 होती है। वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों वर्गों की संख्या 18 होती है। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि लोहे के फ्राइंग पैन में जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि की जानी चाहिए, तो यहाँ पे उस विधि का नाम हम लोग बोलेंगे कि जिंक की पर चढ़ाकर लोहे के फ्लाइंग पैन में जंग लगने से हम लोग बचा सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस धातु को हम लोग आसानी से काट सकते हैं, तो आज जान ही जाइए कि सोडियम तथा लिथियम एक ऐसा दो धातु है
जिसे हम लोग आसानी तरीके से काट सकते हैं। तो कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ज़्यादातर आप तो सभी पढ़े होंगे कि सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, और सोडियम के अलावे हम लोग कैल्शियम और लिथियम को भी चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो आपको मैट्रिक एग्ज़ाम पेपर में ये आपको ऐसा ऑप्शन चयन करना होगा, या तो लिथियम दिया होगा, या तो कैल्शियम, या तो सोडियम दिया होगा, या इसका संकेतिक चिन्ह Na, Ca और Li दिया होगा। तो तीनों में से कोई आपका एक ही होगा जो आपका क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल, आयोडीन के कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर तो जरूर मालूम होगा कि आयोडीन युक्त नमक यानी आयोडीन के कमी से मनुष्य को घेंघा रोग का सामना करना पड़ता है। इसीलिए क्वेश्चन 60 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, घेंघा। अब यहीं से मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक और सवाल पूछ लिए जाते हैं कि हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। उसके बाद में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को हम लोग वृद्धि हार्मोन कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, वृद्धि हार्मोन। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि अमीबा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें जनन की जो विधि है ना, ये विखंडन विधि पाई जाती है। चूँकि अमीबा विखंडित होकर एक या एक से अधिक जीवों का निर्माण करता है, इसलिए अमीबा में हम लोग कहते हैं कि विखंडन विधि पाई जाती है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदल देता है। आसान भाषा में कहे तो फूल का वह कौन सा भाग होता है जहाँ से फल का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडाशय। क्योंकि फूल में भी अंडाशय पाए जाते हैं और यहीं से बीजावरण भी बनता है। यही इसी कारण कि हम लोग कहते हैं कि पुष्प में परागकण कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों परागकोष में ही परागकण पाए जाते हैं और अंडाशय में फल बनाए जाते हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि जब पश्चिम की ओर से प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, जिसको हम लोग अल्फा कण कहते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की दिशा में विक्षेपित हो जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 64 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी हो जाएगी। उसके बाद में अगला सवाल 65 को देखिए कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना वोल्ट होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 65 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा हमारी घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 66 कहता है कि गर्म जल का टैंक बनाने के लिए या गर्म जल की प्राप्ति के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन 66 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बादलों वालों दिन हम गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तापक जल तापक का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 67 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद में क्वेश्चन 68 को देखिए कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 68 काफ़ी सिंपल आपसे पूछ लिया गया है कि कोई भी ऐसा दर्पण है, कोई भी ऐसा दर्पण के सामने किसी कितना ही दूरी पर रख दे किसी वस्तु को, उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखता है, तो वो तो दर्पण क्या समतल होगा या उत्तल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होता है, समतल या उत्तल। उसके बाद में अगला सवाल ही प्रकाश के परिवर्तन से पूछा गया है कि किसी कार का अग्रदीप यानी आगा में प्रयुक्त किया जाने वाला दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर तो जरूर मालूम होगा। सवाल में आपसे पूछा गया है कि कोई भी कार का जो अग्रदीप, अग्रदीप का मतलब आगे वाला जो शीशा होता है यानी दर्पण होता है, वो कौन सा दर्पण होता है। तो आगे वाले शीशा को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, और साइड मिरर यानी साइड अर्थात बगल में जहाँ पे चालक होता है उसी के बगल में जो कार में शीशा लगा होता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पे अग्रदीप में पूछा जाएगा तो अवतल हो जाएगा, साइड मिरर में पूछेगा तो उत्तल हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 70 को देखिए, क्वेश्चन 70 आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपोर्टेंट है। बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। जैसा कि आप सभी को बता दें कि हीरा का जो अपवर्तनांक होता है ना, ये सब पदार्थों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा,
तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।